तो इस मकासद शरिया में चार चीजें हैं, हर शख्स के जान माल इज्जत की हिफाजत हो, यानी इज्जत की हिफाजत, नस्ब की हिफाजत, जान की हिफाजत और माल की हिफाजत। चलिए माल की हिफाजत से बात शुरू करें तो सूरत मायदा में आपने क्या पढ़ा, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ अयदियहुमा, चोर और चोरनी, उनका वो एक हाथ, दोनों हाथ नहीं, अईद वाहिद की लफ्ज बात हो चुकी है इस पे। अल्लाह ने मुसलमानों की नहीं, इंसानों की, देखिए याद रखिए मकासद शरिया ह्यूमन बेस्ड है, मुस्लिम बेस्ड नहीं है। आपके मुल्क में अगर कुछ नॉन मुस्लिम भी रहेंगे तो उनकी भी जान माल की हिफाजत होगी, मुसलमान ज़कात देते हैं तो वो जिजिया देंगे, सूरह तौबा में हम पढ़ चुके हैं। तो माल की हिफाजत के लिए चोरी की सजा है, जान की हिफाजत सूरह मायदा में कत्ल के बदले कत्ल, तीन कत्ल जायज़ हैं और तीनों हुकूमत के हाथ में है, कोई किसी को कत्ल कर दे, कोई शादीशुदा औरत जिना कर दे, मर्द जिना कर ले, या फिर तीसरी बात यह है दीन को मानकर छोड़ गया, मुर्तद हो गया। जरा वो तो एक ऐसा फितना बन गया है कि वो जिधर जाएगा वहां ग्रो करेगा और कोरोना वायरस से ज्यादा खराबियां पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने जान की हिफाजत में सजा रख दी कत्ल की, और मैं आप नहीं कर सकते, गैरत के नाम पे खान साहब नहीं कत्ल कर सकते किसी मर्द को जिसको अपनी बीवी या बहन के साथ देखा। कानून को हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है, ये लिखिए बड़ी बात, आज सारी जुबानें बंद हो जाएंगी अगर ये बात समझ आ गई कि हम कानून हाथ में लेते हैं कई दफा। आज अगर हुक्मरान नहीं करे ये उनकी जिम्मेदारी है, हाँ हमें उसके बीच की सीढ़ियां बनना है। बहरहाल एक लंबा टॉपिक है, अब आगे रह गई दो हिफाजतें, एक है नस्ब की हिफाजत और एक है इज्जत की हिफाजत, ये दोनों आपको आज के बारे में मिल रही है। अल्लाह ताला ने जिना की जो हद रखवाई है वो इसलिए रखवाई कि तुम्हारी जान, तुम्हारा, तुम्हारे घरों में जो बच्चा पैदा हो उसको पता हो मेरा बाप कौन है, मेरी दादी कौन है, मेरी फुफ्फो कौन है, मेरा चचा कौन है, और दूसरी तरफ फिर नानी मामू खाला वो तो पता ही होता है। आज आपको जितनी सिंगल मदर्स दिख रही हैं दुनिया में, कभी इतनी दुनिया में नहीं थी। और इज्जत की हिफाजत के लिए हद कज़फ है, आज हम इस पारे के अंदर सूरत नूर में ये दोनों हिफाजतें पढ़ेंगे।